इन दिनों कांवड़ यात्रा चल रही है, जिसमें भक्त देश के कोने कोने से हरिद्वार पहुंच रहे हैं। इस वक्त कांवड़ यात्रा बहुत सुर्खियों में भी है, तो वहीं इसको लेकर बीते दिन एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। तो मना भी कर रहा हूँ, उधर जा। जिसमें भारी संख्या में कांवड़ यात्रा गंगा में स्नान करते हैं, लेकिन इस दौरान SDF ने 6 कांवड़ यात्रियों को गंगा में डूबने से बचाया। बताया गया कि कांवड़ मेले के दौरान SDRF की टीम जवानों द्वारा संवेदनशील घाटों जैसे कांगड़ा घाट, बैरागी कैंप इत्यादि पर तैनात रहकर अलग अलग घटनाओं में डूब रहे 6 कांवड़ियों का जीवन उन्होंने सुरक्षित किया। इस बारे में SP सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह के मुताबिक SDRF की टीम ने कांगड़ा घाट, बैरागी कैंप आदि घाटों पर डूब रहे 6 कांवड़ यात्रियों को सुरक्षित बचाया है। टीम प्रभारी ने बताया कि आरक्षी विजय खरोला, रमेश भट्ट, सागर, दिनेश, राजेश और आशिक अली को बचाव कार्य में लगाया गया था, जिन्होंने देखा कि नहाते वक्त कांवड़िये डूब रहे हैं और तुरंत इन्होंने छलांग लगाकर उन कांवड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाला। बता दें कि कांगड़ा घाट पर मोनू सिंह तेज बहाव में डूब रहा था, उसे जवान आशिक अली ने तुरंत छलांग लगाकर सुरक्षित बाहर निकाला। इसके साथ ही संदीप सिंह, गोविंद सिंह, करण, अंकित और अरुण को बचाया गया। देखिए मौके के वीडियो, किस तरह SDRF की टीम ने इन कांवड़ियों को डूबने से बचाया। बच्चा क्या बह गया? हाँ, एक बच्चा था। बच्चा पकड़ लिया? हाँ पकड़ लिया बच्चे। बच्चा नहीं बड़ा है, इसे पकड़ मो फोन। पीछे बोले पूछो पूछो